Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. हेलो गेमर्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भाइयों का आप ही के अपने छोटे से यूट्यूब चैनल गेमिंग एरिया के अंदर। सो गाइस, आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं यहाँ पे टॉप 5 फीचर जो आप लोग को यहाँ पे बीजीएमआई के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। गाइस, जो भी इस वीडियो को नया देख रहा है तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं गाइस कि पार्ट 3 है। मैं ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बना चुका हूँ, अगर आप लोग को देखना है तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो के लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे टॉप 5 फीचर के बारे में। उससे पहले गाइस, हम लोग यहाँ पे जो है 250K फैमिली के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो प्लीज 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 जो भी नया देख रहा है वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे फर्स्ट फीचर के बारे में, वो है दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे दूरबीन फीचर। अभी फीचर क्या है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को बता, हम किसी से फाइट कर रहे होते हैं लेकिन वो बंदा जो है बहुत ही दूर होता है। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं कैसे ना कैसे करके पीक करके मारने का, कभी क्या करके मारने का। तो क्या सीन होता है कि हम लोग को ये नहीं पता होता कि सामने जो है कितने बंदे, हम लोग को लगता है कि यार एक बंदा होगा तो आसानी से हम लोग कैसे ना कैसे करके उसको यहाँ पे मार देंगे। एंड हम लोग ट्राई करते हैं पीक करने का, एंड जो उसका दूसरा बंदा होता है वो हम लोग को यहाँ पे जो हैडशॉट मार के नॉकआउट करता है। तो वही सीन है गाइस, अगर आप दूरबीन का यूज करोगे तो आपको जो दूर का बंदा जो रेंडर भी कर रहा होगा ना गाइस, वो भी आप लोग को आसानी से यहाँ पे दिख जाएगा। प्लस आप लोग को यहाँ पे इतना भी अंदाजा हो जाएगा कि सामने जो यहाँ पे कितने बंदे हैं, गाइस कितने बंदों को कितने बंदों से हम लोग को यहाँ पे जो है लड़ना पड़ेगा। प्लस गाइस, उस दूरबीन की सहायता से आप लोग जो एक परफेक्ट मार्क जो होता है वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। काफी कमाल का फीचर है गाइस, मेरे को तो यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का लगा, बिकॉज इस तरह का फीचर दोस्तों हम लोग को चाहिए ही था अगर हम किसी के स्क्वाड से लड़ रहे होते हैं, वो भी दोस्तों काफी दूर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे सेकंड फीचर के बारे में। तो गाइस, ये फीचर दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि यार हम फाइट में इतने बिजी होते हैं कि हम लोग को पता नहीं चलता कि हमारे जो बुलेट्स होते हैं खत्म हो गए या फिर दोस्तों हम लोग को यहाँ पे जो है एक टाइम पर रिलोड करना पड़ेगा। ठीक है, होता है यार कभी कभी होता है ऐसा कि चार बंदे सामने आए थे तो हम लोग को रिलोड का ध्यान रहता नहीं है, एंड कभी कभी 10 या फिर 12 गोले रह जाती है हमारी गन के अंदर। लेकिन कैसे इस फीचर के अंदर ये फायदा है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 30 बुलेट है, आप लोगों ने 20 ऑलरेडी यहाँ पे शूट कर दिया, जो रिमेनिंग बची आप लोगों के लिए यहाँ पे 10, वो अपने आप ही उसका कलर जो यहाँ पे येलो हो जाएगा। एंड गाइस, मान लीजिए 5 ही गोलियां बची उसके अंदर, तो गाइस उसका जो कलर है अपने आप यहाँ पे रेड हो जाएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे जो है बार बार ध्यान जाए, आप लोग फटाफट से यहाँ पे रिलोड जो है कर पाओ। काफी कमाल का फीचर है दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे एज ए स्क्वाड फाइट के लिए, तो हम लोग को यहाँ पे जो फीचर है चाहिए ही था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है कलर चेंज के बारे में। बेसिकली गाइस, आपका जो स्मोक हो गया, आपका जो फ्रेग कोई और ग्रेनेड हो गया है, फिर दोस्तों मॉली हो गई, उन सभी का सभी कलर जो यहाँ पे चेंज कर दिया गया। कलर मतलब दोस्तों ये होता है कि जो उनका लुक है ना वो यहाँ पे चेंज कर दिया गया। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे को यहाँ पे इस बीजीएमआई के अंदर यहाँ पे काफी सारे ट्रैम देखने को मिल रहे हैं, काफी सारी फ्यूचरिस्टिक थिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। वैसे ही दोस्तों कलर भी यहाँ पे जो है काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कर दिया गया है, जैसे कि आप लोग नेड को देखते हो, आप लोग मॉली को देखते हो, है ना, आप लोग उसमें स्मोक ग्रेनेड को यहाँ पे देखते हो, उन सभी कलर दोस्तों काफी ज्यादा रोबोटिक जो होता है एंड काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे कर दिया गया। तो कैसे दिखने में यार बहुत ज्यादा कमाल का, बहुत ज्यादा कूल लग रहा है, आप लोग कैसे लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे एक और लास्ट फीचर के बारे में, वो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे मार्क ऑन हिट फीचर। बेसिकली गाइस, इस फीचर का यार क्या सीन है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। एंड गाइस, ये जो चीज है आप लोगों को यहाँ पे जो है बहुत सारी जगह पे देखने को मिल जाएगी, ऐसे नहीं कि परफेक्टली यहाँ पे किसी एक जगह पे स्पॉन होने वाली है। एक व्हाइट कलर की चीज मिलेगी, अब उसका नाम मेरे को नहीं पता बिकॉज काफी ज्यादा चाइनीज में वो लिखा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ पाया। आप उसको जैसे पिक करोगे ना, पिक करने के बाद क्या सीन होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके सामने जो बंदा होता है, अगर हमको अपने फ्रेंड को बताना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से मार्क कर देंगे ना कि भाई यहाँ मार्क कर दिया है मैंने, क्या बंदा हो सकता है। लेकिन इसका दोस्तों यहाँ पे ये सीन है कि मान लीजिए आपको सामने कोई बंदा दिखता है, एंड जैसे आप बंदे को मारने की ट्राई करते हो, उस बंदे को जो भी हिट लगता है ना आपका, जैसे हिट लगेगा ना गाइस, वैसे ही दोस्तों अपना मार्क जो यहाँ पे अपने आप बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप उस बंदे को मारने की ट्राई करते हो तो वहां जो मार्क होता है ना आपका अपने आप ही बन जाएगा, ताकि आपको जो फ्रेंड है उनको यहाँ पे आसानी से पता चल जाए कि बंदा जो है एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन पे है। तो गाइस, बहुत ही कमाल का फीचर है एज ए कंपेटिटिव, अगर आप खेलते हो ना गाइस, तो अगर ये फीचर काम आता है कंपेटिटिव में तो गाइस काफी ज्यादा कमाल का है। एंड ऑब्वियसली बात, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो यार ये जो फीचर है मेरे को बहुत ज्यादा कमाल का लगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए ऐसे फीचर के बारे में गाइस, जिसको यार मुझे ऐसा लग रहा है गाइस ये जो फीचर है आप लोगों को यहाँ पे चाहिए था। बेसिकली गाइस, इस फीचर के अंदर आप लोग यहाँ पे जो है अपनी हर एक गन की यहाँ पे सेंसिटिविटी को यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है नॉर्मल तरीके से हमारी सेंसिटिविटी सेटिंग क्या होती है, सारे के सारे गन्स के ऊपर यहाँ पे बेस होती है। ठीक है, सारी गन जो है एक ही सेंसिटिविटी पे आप लोग की यहाँ पे चलने वाली है, लेकिन इस सेंसिटिविटी के अंदर दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि AR हो गया, स्नाइपर हो गया, एंड जो छोटी मोटी गन हो गई, UMP गन हो गई। ठीक है, उन सभी के आप लोग को परफेक्टली यहाँ पे अपने हिसाब से सेंसिटिविटी सेटिंग सेट करने का मौका मिलेगा। जैसे कि आप लोग को पता है जो M4 होती है कितनी प्यारी होती है, हम हमारे हिसाब से सेंसिटिविटी सेटिंग कर देते हैं उसकी। ठीक है, लेकिन फिर AKM हमारे हाथ में आती है तो सेंसिटिविटी दोस्तों सेम रहती है, लेकिन आप जब मन चाहो अपनी हर एक गन की सेंसिटिविटी जो है अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगती है, जो आप प्रेफर कर
करते हो वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मतलब गाइस यार बहुत ही कमाल की गाइस यार बहुत ही ऑसम सेटिंग मेरे को यहाँ पे देखने को मिली है। गाइस इससे क्या होता है गाइस कि आपका जो स्प्रे होता है आपका जो लाइक परफेक्ट चीज होती है दोस्तों आप लोगों से यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज आपका जो है हाथ बैठा हुआ है उस सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर जो आप लोग को यहाँ पे फेवरेट लगती है। तो गाइस यार ये जो फीचर है आप लोग को यहाँ पे कैसे लगे आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज यार मेरे को तो सारे के सारे फीचर जो भी BGMI के अंदर आने वाले हैं ना सारे के सारे फीचर बहुत ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। आप लोग कैसे लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ गाइस कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस चलिए मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। But that's all right. Hush.